हेलो फ्रेंड्स, मैं जय। आज हम टैली में बात करेंगे, गेटवे ऑफ टैली की। ये गेटवे ऑफ टैली की विंडो आपके सामने खुली हुई है और इसमें ये जो भी आपको लिस्ट दिख रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे क्या होती है और कैसे इन्हें यूज़ किया जाता है टैली में, और कुछ थोड़ी बेसिक नॉलेज भी मैं दूंगा आपको। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में प्रिंट है। इसकी शॉर्टकट की होती है, जैसे कि आप जिसमें भी आप देखेंगे जो भी लेटर्स है, अगर उनके नीचे डैश दी हुई है, यानी कि वो उनका शॉर्टकट होगा। एल्ट के साथ पी प्रेस करोगे तो प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा, और जिसमें डायरेक्ट सिर्फ लेटर लिखा हुआ हो वहाँ पर सिर्फ आपको पी प्रेस करना है। आप देख रहे हैं, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ शॉप है। अगर आपके पास जेन्युइन टैली है तो आप यहाँ से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, कुछ भी आप अपने फीचर्स ऐड कर सकते हैं टैली में, जो लेटेस्ट फीचर्स आएंगे टैली के, उसकी कुछ कॉस्ट भी आपको देनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर लैंग्वेज देख सकते हैं आप, हम कोई भी भाषा में टैली को यूज़ कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। यहाँ पर ये कीबोर्ड कि हम टाइप किस भाषा में करना चाहते हैं, वहाँ पर तो टैली को हम किसी भाषा में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी टैली में जो लिखे हुए आते हैं वो हिंदी में लिख के आएंगे। लेकिन अगर हम टाइप भी हिंदी में करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये कंट्रोल सेंटर है, ये भी हेल्प के लिए काम आएगा। ये सपोर्ट सेंटर, ये भी हेल्प के लिए। यहाँ पर हेल्प आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं लोकल हेल्प और ऑनलाइन हेल्प। मैं जैसे लोकल हेल्प में जाता हूँ तो मेरे पास इसकी एक फाइल है टैली की, जो आप टैली जब इंस्टॉल करते हो कुछ वर्जन्स में तो ऑटोमेटिकली आपके में आ जाती है, कुछ में आप वहाँ से वेबसाइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं टैली के बारे में कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, इसमें मुझे हेल्प मिल जाएगी अगर मुझे ऑपरेट नहीं करने आती है ठीक से। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट अ लेजर, जैसे इसमें लेजर तो नहीं आया, मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको जाके दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख रहे हैं, यह सबके बारे में आपको डिफाइन दिया हुआ है। और जो इसमें और एक ऑप्शन था कि ऑनलाइन हेल्प, यहाँ से आप नेट अगर आपके में कनेक्ट है तो आप वहाँ से वेबसाइट से जुड़ जाएंगे, और वहाँ पर आप जो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल तो नहीं मिलेगी लेकिन कुछ हद तक आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मास्टर्स की। मास्टर्स में आप सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फो, ये क्या होता है? इसमें आप ग्रुप्स बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं और वॉचर टाइप। और जो सबसे लास्ट में क्विट दिख रहा है, यानी कि आप या तो स्केप से बैक ले लो या आप उस पर आओगे तो भी आप वहाँ से क्विट कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप्स, ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स की यूज़ टैली में बहुत ही कम आती है, रेयर ही आपको ग्रुप्स की यूज़ पड़ेंगे। अगर आप एक नॉर्मल अकाउंट मेंटेन करो, मैं एक हाई लेवल के अकाउंट्स की बात नहीं करूँ, एक नॉर्मल आप अकाउंट्स मेंटेन करो, आपकी कोई छोटी मोटी शॉप है आप उसके अकाउंट को मेंटेन करो, तो ग्रुप्स की यूज़ आपको बहुत ही कम आएगी। इसमें ग्रुप्स बने हुए होते हैं, इसमें आपको होता क्या है कि जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास कई स्टाफ्स हैं, ठीक है, तो आप चाहते हो स्टाफ्स की नेम आए और वहाँ पर लिख के आए कि ये स्टाफ का कॉलम है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो कि और भी बहुत सारे यूज़ हैं, मैं आपको फिलहाल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर स्टाफ कर दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टाफ कर दिया, उसके बाद मैंने अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस चुन लिया। अगर आप अकाउंट्स की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आप समझ जाएंगे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों चुन रहा हूँ, क्योंकि पीएल में ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। यहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस चुन लिया। अब मैं जब लेजर क्रिएट करूँगा ना तो उसमें मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर स्टाफ टाइप कर लिया मैंने, उसके बाद मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लिया, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एस्केप प्रेस करके मैं बैक निकल गया। यहाँ पर ये क्रिएट में तो मैंने क्रिएट किया, डिस्प्ले में मैं वही चीज़ देख सकता हूँ कि मैंने कितने सारे ग्रुप्स बनाए और इसके ऑलरेडी कितने सारे ग्रुप्स हैं। आप देख सकते हैं इनके इतने सारे ग्रुप्स हैं, मैंने सिर्फ एक ग्रुप्स इसमें क्रिएट किया है।
ये अल्टर में आप जाके उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने जो भी ग्रुप्स अपने बनाए हैं उसमें जाके आप मॉडिफाई कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। अभी हम ग्रुप से निकल जाते हैं, हम लेजर की बात करते हैं। लेजर में भी सेम वही चीज़ है। आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सिंगल एक मल्टी लेजर है। मल्टी लेजर का कभी यूज़ होता है, सिंगल लेजर कभी यूज़ होता है। मल्टी लेजर क्या है कि जैसे कि आपके कई सारे संडे डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, तो आप उस सिचुएशन में चाहते हो कि मैं एक एक करके नहीं बनाऊँ, बार बार मुझे चुनना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में आप मल्टी लेजर्स का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप सिंगल लेजर भी यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या है कि काम आपका बहुत जल्दी होगा, इसमें वही काम थोड़ी डिले होगा। वो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा। अभी हम बात करते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर ग्रुप चुना, तो अभी मेरे यहाँ मान के चलो राम नाम का स्टाफ है, मैंने यहाँ राम इंटर कर दिया नेम में, ये एलियास है। यहाँ पर मैं उसका उर्फ नेम दे सकता हूँ, जैसे अगर कुछ भी उसका हो वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। ऐसे अकाउंट्स में इतना डिटेल तो चलता नहीं है कि आप उसका उर्फ नेम वगैरह, तो लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप बुलाते हो तो आप डाल सकते हो। यहाँ पर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं चुन के स्टाफ चुनता हूँ, आप देख सकते हो मैं स्टाफ चुनो और उसके नीचे लिख के आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा पीएल में, मैं वो दिखाऊंगा आपको। चलते हैं हम बैक, मैं बताऊंगा कि पीएल कैसे देखा जाता है, फिलहाल अभी हम चल के खाली वही देख लेते हैं। सॉरी, मैंने अभी एंट्री पास नहीं किया, पहले मैं एंट्री पास कर लेता हूँ, एंट्री पास कर लेता हूँ। मान के चलो आप, मैं कैश और राम दिखा देता हूँ, मैंने उसे 500 रुपये दिए। मैं ये सब बताऊंगा कि ये सब क्या है, फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी फिलहाल वो बता नहीं रहा हूँ। प्रॉफिट में आ जाते हैं, आप देखते हैं, आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये लिख के आ गया। यहाँ पर ये हेडिंग आ गई कि ये स्टाफ, ये मेरा स्टाफ है और नाम क्या है, राम नाम है। तो इस तरीके से अगर आपको करना हो, या और भी बहुत सारे यूज़ हैं, वो जब हम आगे की वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या यूज़ है। अगर आप डायरेक्ट बनाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर लेजर में जाके मैं अल्टर में दिखा देता हूँ, इससे आप हर जगह पे जहाँ पर, जहाँ पर भी अल्टर है आप उसका भी यूज़ सीख जाएंगे। मैं राम में गया, मैंने यहाँ पर स्टाफ नहीं चुन के इनडायरेक्ट एक्सपेंस चुन लिया और मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया। अब मेरी एंट्री तो पास है, हम चल के देख लेते हैं पीएल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट राम आ गया। अब ये मेरा स्टाफ है कि क्या है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए बहुत से लोग इस तरीके से बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने अकाउंट्स को, जल्दी इजीली वे में समझ पाए, तो इसलिए वो इस तरह का ऑप्शंस यूज़ करते हैं। और भी ग्रुप्स के यूज़ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम लेजर की बात करते हैं। लेजर आपने, जैसे मैंने अभी एक क्रिएट किया उससे आप सीख गए होंगे। अभी यहाँ पर मान के चलो आपको अगर अकाउंट, मैं जो भी इसमें बता रहा हूँ, मैं एक बात साफ कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर अकाउंट्स आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको टैली कैसे यूज़ करते हैं, इसे ऑपरेट कैसे करते हैं, या अपने अकाउंट्स को टैली में कैसे मेंटेन करते हैं, मैं आपको यहाँ पर यही बता रहा हूँ। अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा कि पहले आप अकाउंट्स की अच्छी खासी नॉलेज ले लें, जिससे कि आप मेंटेन कर सकें। क्योंकि अगर मैं अकाउंट सिखाने लगा यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता कि मैं टैली के वीडियो को कंप्लीट कर पाऊँगा जो मैंने अपने टारगेट लेके रखे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ टैली सिखा रहा हूँ ऑपरेट करना। यहाँ पर जैसे मैंने कैपिटल लिखा, यहाँ पर मैंने उसे अंडर कैपिटल ले लिया। कैपिटल क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी उसकी ब्रीफ में नॉलेज दे देता हूँ कि आपकी जो फार्म होती है, यानी कि जो आपकी शॉप होती है, उसमें जब आप पूंजी लगाते हो, तो आप इसे एक आसान शब्द में समझ लो कि आप पूंजी लगाते हो तो वहाँ पर आप अपना नेम नहीं डालते, उसे आप कैपिटल के नाम से जानते हो। जब भी आप अपने फार्म में पूंजी लगाते हो, यानी कि आपने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 5 लाख रुपीज़ लगाई, अब उसमें आपने स्टॉक खरीदा कि क्या खरीदा उससे मतलब नहीं, आपने मतलब 5 लाख रुपए अपने अलग कर लिए बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस में जब आप अपनी एंट्री करते हो, आप अपने आप को कैपिटल के नाम से डिनोट करते हो, क्योंकि ये बिजनेस आपका आर्टिफिशियल पर्सन है और आप रियल पर्सन हो, आप अपने आप को वहाँ पर कैपिटल के नाम से इंट्रोड्यूस करते हो, इसीलिए आप उसे कैपिटल देते हो नाम कैपिटल। और जब आप उससे पैसे निकालते हो बिजनेस से वापस, कुछ बीच बीच में या एक मुश्त लास्ट में आप निकालते हो, तो उसे आप ड्राइंग नाम देते हो। यानी कि जब आप इंटर करते हो पैसे, तो आप कैपिटल नाम देते हो, निकालते हो तो आप ड्राइंग देते हो। तो ये कैपिटल मैंने नेम दिया, मैंने यहाँ पर कैपिटल डाल दिया। इसमें तो एड्रेस वगैरह कुछ है नहीं। अब यहाँ पर मेरी अगर
अकाउंट्स पहले कहीं और थी, अब मैं वहाँ से घींच के ला रहा हूँ, या मैंने टैली मेंटेन किया था वो मेरी उड़ गई, मेरे पास अभी उसकी रफली स्टेटमेंट है। अगर मेरे पास टैली में पहले से अकाउंट्स है, मान के चलो मेरे पास पहले से अकाउंट्स है टैली में मेंटेन किया हुआ, तब तो मैंने जो आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप स्प्लिट करके डायरेक्ट ले आ सकते हो, आपको यहाँ पर उतना इंटर करने का एक एक जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप कहीं पर मैन्युअली मेंटेन करते हो या किसी अदर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मेंटेन करते हो और आप चाहते हो कि मैं इसमें यहाँ पर इंटर करूँ, अगर मेरे पास ओपनिंग है तो आप यहाँ पर ओपनिंग कुछ भी जो भी आपके अमाउंट हो आप इंटर कर दो, अदरवाइज आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ। मैंने कैपिटल डाल दिया, अब मैं यहाँ पर ड्राइंग भी बना देता हूँ। मैं आपको ये थोड़ी बहुत एंट्रीज बताऊँगा कि कैसे पास की जाती है, ड्राइंग भी कैपिटल के अंदर ही होगी। अब हम यहाँ पर एक नाम डाल देते हैं, जैसे कि मान के चलो आप सन्ड्रे क्रेडिटर है, मेरा सुनील नाम है, या फार्म का नेम डाल देते हैं जय एंटरप्राइजेस है। अब सन्ड्रे क्रेडिटर हम चुन लेते हैं, यानी कि जिससे मैं माल परचेज करता हूँ। यहाँ पर हम उसका एड्रेस डाल सकते हैं, उसका स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल नंबर, और भी जो भी बैंक डिटेल्स वगैरह वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पैन नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर हम सेल टैक्स नंबर, CST नंबर वगैरह डाल सकते हैं, और मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। मैं यहाँ पर एक एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप और भी बना लेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर मैं अब डेटर बनाना चाहता हूँ तो मैं रमन कुमार बना लेता हूँ, ये मेरा डेटर है। ये कोई बंदा भी हो सकता है, आप कोई पर्सन भी हो सकता है, या आप फार्म का नेम भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर मैं संडे डेटर, यहाँ से आप फिल्टर कर लेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स से, उसके बाद यहाँ पर भी आप इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी अगर आपका ओपनिंग वगैरह है तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। अब हम कुछ एक्सपेंसेस बना लेते हैं, एक्सपेंसेस जैसे स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होती है आप जानते ही होंगे कि जैसे आपकी अगर मान के चलो दवाई की दुकान है या किसी और चीज़ की दुकान है, आप उसमें लिखने के लिए या कॉपी, पेन, स्टेपलर वगैरह कुछ भी मंगवाते हो, तो आप उसे टैली में जब मेंटेन करोगे तो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती कि मैंने पेन ली 4 रुपए की और 6 रुपए की, मैंने डायरी ली वगैरह वगैरह। उस समय आपको सीधा ये लिखना होता है स्टेशनरी। अब स्टेशनरी में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ये हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब चलते हम मल्टीपल लेजर की तरफ। मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, मैंने आपको यहाँ पर ये साफ बता दिया कि क्रिएट में आप जाके लेजर क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी 3-4 आपको एग्जांपल्स भी दिखाए कि कैसे लेजर क्रिएट करना है। ग्रुप्स के बारे में भी मैंने बता दिया कि ग्रुप्स क्या होते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं बताया लेकिन मैंने कुछ हद तक आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इसमें डिस्प्ले क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके क्या क्या लेजर्स हैं बने हुए हैं। यहाँ पर अल्टर में जाके आप देख भी सकते हैं, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। हम यहाँ मल्टीपल लेजर्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर संडे डेटर्स चुन लिया। अब यहाँ पर मैंने लक्ष्मण कुमार लिखा, ये मेरा डेटर है, अंडर संडे डेटर, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, छोड़ दो आप आगे चलो। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी डाल देता हूँ, सुनील ट्यूब्स इस तरीके का कुछ नाम दे दिया। आप देख सकती हैं कितना इजी है, खाली आपको नाम लिखना है, सब बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होते जाना, आप लास्ट में एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल भी लेजर कर सकते हो क्रिएट, उसमें भी डिस्प्ले का वही यूज़ है, अल्टर का वही यूज़ है और क्विट का वही यूज़ है। आपको मैंने ग्रुप और लेजर बता दिया। वॉचर टाइप्स क्या होता है, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपके टैली में कुछ वॉचर्स होते हैं जो कि आपको जनरली यूज़ पड़ते हैं, कुछ वॉचर्स आप अपने मन से बना सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। इसमें भी पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, क्रिएट डिस्प्ले अल्टर और क्विट आप समझ गए होंगे, जो वहाँ पर यूज़ था वही यहाँ पर सेम यूज़ है। अभी मान के चलो मुझे रिटेल इनवाइस नाम का लेज़र नहीं होता है, और वाउचर नहीं होता है टैली में, मुझे ये बनाना है।
अंडर मैं यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर अंडर सेल नहीं लिया, ये सेल लूँगा, क्योंकि सेल के अंदर ही है, क्योंकि डिटेल इनवॉइस हम कब काटते हैं, जब हम सेल करते हैं, ये सेल के अंडर आएगा। यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिकली रखा है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इन सब ऑप्शंस के क्या यूज़ हैं। मैं फिलहाल आपको खाली वॉचर्स की थोड़ी सी एक नॉलेज देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बाकी मैं डिफाइन से आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनकी क्या क्या यूज़ है, एक छोटी सी झलक दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आसानी हो जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपना बताऊँ। अब हम इससे निकल जाते हैं। आप अकाउंट्स इन्फो समझ गए कि क्या होता है। आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे राइट साइड के कॉर्नर में सेलेक्ट कंपनी। अगर आप एक साथ कई कंपनीज में वर्क करें, या इसी कंपनी में अगर आप सेलेक्ट कंपनी में क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी आ जाएगी, वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप एक कंपनी में वर्क करें तो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कई कंपनीज में एक साथ वर्क करते हैं तो आप वहाँ से सेलेक्ट करके डायरेक्ट बाहर न निकल के आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपनी एक साथ अगर अपने दो तीन कंपनीज खोल के रखी हैं, या आप अपनी इसी कंपनी को बंद करना चाहते हो, तो यहाँ सर्च पे क्लिक कर दोगे, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। यहाँ से आप डेट ला सकते हो F2 से, या उस पर क्लिक करके भी ला सकते हो। यहाँ से आप पीरियड, यानी कि किस समय से किस समय तक चाहिए, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम टू है कि मुझे किस समय तक, किस मान लीजिए मुझे 1/4/16 से लेके 31/3/17 तक की पूरी डिटेल चाहिए, तो मैं यहाँ पर चुन सकता हूँ, या जो भी पीरियड की डिटेल चाहिए वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरा कंपनी इन्फो है, कंपनी इन्फो यहाँ पहुँच गए। अगर हमें मुझे जाना है, पहली का पासवर्ड चेंज करना है, स्प्लिट करना है वगैरह, कुछ भी करना है, तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, मैं इधर भी आ रहा हूँ, गेटवे ऑफ टेली में भी आ रहा हूँ। पहले मैं आपको साइट के कुछ फीचर्स बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कैलकुलेटर है। इसे आप कंट्रोल प्लस यानी कंट्रोल और एन को एक साथ प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर खुल जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, मैंने खोला, यहाँ पर मैं कुछ भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, या मैं पीसी का कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, और स्केप दबा के मैं वापस नॉर्मल मोड में आ सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं ओरिजिनल टैली यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कोई पायरेटेड क्रैक्ड की हुई टैली या नेट से डाउनलोड करके नहीं किया, मैंने लाइसेंस में ख़रीदा है इसे। ये मेरा सीरीज़ ए का है, लेटेस्ट है। नेट में कनेक्ट करूँगा, बता देगा कि इसके अलावा अगर कोई आई होगी टैली के वर्जन्स, वो भी यहाँ पर मुझे बता दिए जाएंगे। नेट जैसे मेरे में कनेक्ट होगा लैपटॉप में, यहाँ पर ये मैं 4.93 रिलीज़ है, लेटेस्ट है ये भी। अगर मुझे टैली की तरफ से कोई मैसेज आएंगे यहाँ पर शो करेंगे, और अंदर में जो फोल्डर होता है इसका वहाँ पर भी चले जाएंगे। ये सिल्वर एडिशन है, इसकी सीरियल की ये है, मेरा आईडी ये है, आपको ये कब तक है। होता क्या है कि जब आप टैली परचेज करती हो तो आपको 1 साल के लिए उस वो आपका लाइसेंस तो हमेशा के लिए रहता है, लेकिन जो 1 साल के लिए आपको कंपनी की तरफ से क्या बेनिफिट्स मिलती है कि आप उसमें रिमोट यूजिंग कर सकते, रिमोट यूज़र का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ बैठे हो, आप कहीं और से टेली यूज़ कर रहे हो, या उसका जो लेटेस्ट अपग्रेड्स आ रहे हैं उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको मतलब कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। आफ्टर 1 ईयर क्या होता है कि आपकी वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, यानी कि अब आपको क्या होता है कि अगर कोई टैली में लेटेस्ट कुछ भी आ रहा है तो आपको अगर वो अपने में ऐड करना है टैली में, तो उस समय क्या होता है, आपको कुछ एक सब्सक्रिप्शन पेड करनी होती है। जैसे कि मैंने की थी अभी कुछ दिन पहले 3600 रुपये, तब जाके मुझे फिर ये मेरा एक्सटेंड किया डेट, सब्सक्रिप्शन डेट मेरा तभी एक्सटेंड हो पाया है। इसी तरीके से आपको पेड करना, और अगर आपको कोई ऐड नहीं करना है फीचर्स, आप जनरली ऐसे यूज़ करना चाहते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार परचेज़ करो, आप यूज़ करो। और इसके अलावा आप जैसे आप कंप्यूटर से क्रैक्ड वर्जन भी यूज़ करते हो, अगर आप जनरली अकाउंट्स मेंटेन करो, कोई ज़्यादा आपको नहीं है कि मुझे 5% आया तो मुझे बहुत एक प्रॉपर वे में बनाना है, और 6% आया तो उसे आप मैन्युअली भी किसी तरह बना के मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर वे में आना है, इसकी टैली की कुछ बेनिफिट्स लेनी है, नए नए फीचर्स की बेनिफिट लेनी है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ओरिजिनल वर्जन ही यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि इससे पहले मैं भी क्रैक्ड वर्जन ही यूज़ करता था। ये स्टेट फाइल है 265, ये भी क्या होता है, कई बार टैली लेटेस्ट वर्जन नहीं लाती है, उस सिचुएशन में क्या होता है,
अभी मान के चलो आप जिस स्टेट में हो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, 14.5% की वैट चल रही है, उसने कह दिया कि नहीं आज से 15% एप्लीकेबल हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में कंपनी एक स्टेट के लिए अचानक कोई भी रूल आ जाए तो उसके लिए टैली का लेटेस्ट वर्जन नहीं बनाती। उस समय क्या है, कंपनी अपने में छोटी मोटी स्टेट्स फाइल्स बनाती है जिसके थ्रू आप अपने स्टेट वहाँ से डाउनलोड कर लेते हो वेबसाइट से, उसके बाद अपने में आप उसे इंस्टॉल कर लेते हो, टैली में अटैच कर लेते हो। तो अगर आपको ये जानना हो कि स्टेट फाइल कैसे अपने टैली में अटैच की जाती है या जोड़ी जाती है, तो इसके लिए मेरा एक चैनल है जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, ऑनलाइन कंप्यूटर लर्निंग नाम से, उसमें जाके आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने इसके बारे में बताया है डिटेल में। अब हम बात करते हैं F11 के बारे में, इसके भी बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। ये कंपनी फीचर्स होता है, इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस आ रहे हैं क्विट को छोड़ के, एड ऑन फीचर, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कुछ ऐड मुझे करना है, वही जो मैंने अभी बताया कि मैं कंपनी के कुछ फीचर्स ऐड करना चाहता हूँ, मुझे वो करना नहीं है। सबसे पहला है अकाउंटिंग फीचर, मैं जैसे जैसे वीडियो आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल देते जाऊंगा कि क्या होते हैं, इनका कब यूज़ होता है, आप कैसे यूज़ करते हैं। मैं फिलहाल आपको छोटी मोटी नॉलेज दे देता हूँ। ये क्या इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री, मैं अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं, इसीलिए ये यस है। मैं यहाँ पर PL यूज़ कर रहा हूँ, हम मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, ये नहीं कि जैसे आपने देखा होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर प्रॉफिट से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। जैसे सोसाइटी वाले लोग, ये लोग जो अगर अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो वो लोग अपना यहाँ पर इसे यस कर देते हैं। तो उस समय क्या कि जो आपके में PL का ऑप्शन आता है नीचे, उस जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ऑप्शन है, अगर आप इसे यस कर दोगे तो। उसके बाद थर्ड है अलाउ मल्टीपल करेंसी, अगर आप एक से ज़्यादा करेंसी यूज़ कर रहे हो टेली में, यानी कि आपका बिजनेस इतना बड़ा है कि आप फॉरेन में भी डील करते हो बिजनेस को, तो उस सिचुएशन में सीरियस करो, अदरवाइज नो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं उसमें। मेंटेन बिल वाइज डिटेल, आप जो पार्टीज को बिल देते हो वो बिल वाइज डिटेल को आप मेंटेन करना चाहते हो कि पेमेंट मैंने किस बिल के एवज में ली, ये पेमेंट जो आई है मुझे किस बिल के एवज में आई है, या मेरे कौन कौन से बिल्स है उसके डेट क्या है वगैरह, इस तरीके से मेंटेन करना चाहते हो तो इसे यस रहने दो। अब हम बात करते हैं एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना चाहते हो, किसी को अपने ब्याज पे पैसे दे के रखे हैं, बिजनेस है आपका वो भी एक इसी के साथ अटैच, तो उस सिचुएशंस में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, या और भी रीजंस में यूज़ आते हैं। अब हम बात करते हैं इधर, ये तो यस है, यहाँ पर डेबिट नोट वगैरह आपको अगर अपने में चाहिए फीचर्स तो आप इसे यस कर सकते हो। वो क्या होते हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेंटेन बजट्स कंट्रोल वगैरह भी आप यहाँ पर यस कर सकते हो, अगर आप अपना बजट बनाते हो कि मुझे कितने बजट तक टैली में क्या कहते हैं अपना एक्सपेंसेस, कितने बजट तक मैं रखूँगा कि इस साल में मुझे कितना एक्सपेंस करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, या और भी जो भी आपकी बजट्स हो टैली से रिलेटेड, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, वो आप यहाँ पर अपना एक फिक्स कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। या इसमें ये भी है कि आप किसी पार्टी को चाहते हो कि मैं 1 लाख से ज़्यादा का माल नहीं दूँ, आप हर पार्टी की एक लिमिट फिक्स करना चाहते हो कि 1 लाख, 50 हज़ार, 20 हज़ार, तो आपको अब ये याद रखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है कि मैंने उसे 20 हज़ार का दिया, अब आप एक एक बैठ के पुर्जे को चेक करोगे, यहाँ पर कुछ नहीं, आप एक बार फिक्स कर दो अंदर जाकर, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उससे क्या है कि आप एक बार अगर फिक्स कर देते हो तो जैसे उसकी वो लिमिट पहुंचेगी वहां पर अपने आप टैली आपको एक मैसेज देगी कि अब आप इससे आगे एंट्री नहीं कर सकते, या तो आप लिमिट बढ़ाओ या एंट्री मत करो। इसी तरीके से चेक प्रिंटिंग वगैरह और भी ऑप्शंस है, यहाँ पर आप अपना लोगों को यस करके लगा सकते हो टैली में, जो आपके बिल वगैरह होंगे तो वहाँ पर आपको लोगो प्रिंट होगा। इसके बारे में भी आपको जानना हो, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा अपने इस चैनल के वीडियोस में कि लोगो कैसे लगाया जाता है, अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना हो तो आप मेरे ऑनलाइन कंप्यूटर लर्निंग में जाएँ चैनल में, वहाँ से जाके इसे देखें, स्टेट फाइल को देखें, टैली के पासवर्ड को अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो उसे भी वहीं से जाके देखें आप, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अभी मैं इस दोनों चैनल को कोलेबोरेशन करूँगा जिससे कि आपको आसानी हो ढूंढने में, मैं अपनी प्लेलिस्ट में उसको ऐड करूँगा उस चैनल को, तो आप मेरी प्लेलिस्ट से भी डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं। ऐसे मेरे चैनल के इंट्रोडक्शन के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं।
अब मैं यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकता हूँ अपने जो इस फीचर्स के दूसरे ऑप्शन थे उसमें, यानी तो मैं बैक लेके भी, इस कैप से बैक लेके भी जा सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर F2 प्रेस कर दूँ, आप देख सकते हैं मैं इन्वेंट्री फीचर्स में आ गया। इसके बारे में भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि ये क्या होता है। फिलहाल मैं थोड़ी बहुत आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर ये यस वही सेम चीज़ है जो वहाँ पर था। अगर आप सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि जीरो वैल्यूड एंट्रीज, अगर आप जीरो वैल्यूड एंट्रीज मतलब आप स्टॉक बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, सैंपल ले रहे हो किसी से, आपको तो फ्री में है, उस सिचुएशन में आप इसे यस कर दोगे तो आप जीरो वैल्यू मतलब आप अमाउंट को अगर ब्लैंक भी छोड़ दोगे आगे बढ़ जाओगे तो आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। अदरवाइज आपको वहाँ पर रोका जाएगा कि कुछ ना कुछ आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। मल्टीपल गोडाउन मेंटेन, आपके एक से ज़्यादा कई गोडाउन है तो आप उसे कर सकते हो। कैटेगरीज है स्टॉक की तो वो आप इसे यस करोगे तो मेंटेन होगी। बैच वाइज डिटेल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी वगैरह आपके प्रोडक्ट में है तो उसे आप यहाँ पर यस कर दोगे। एक्चुअल और बिल्ड, ये क्या होता है कि आप ने देखा होगा जैसे आप मॉल वगैरह जाते होंगे एक के साथ एक फ्री, उनका स्टॉक तो घट रहा है दो, लेकिन उसने आपसे प्रोडक्ट की चाल सिर्फ एक की ली है। उस सिचुएशन में क्या आपके जो जो सेल्स या रिटेल सेल्स या टैक्स इनवाइस जो भी होंगे वहाँ पर दो कॉलम्स बन जाएंगे, एक एक्चुअल एक बिल्ड, कि मतलब आप एक्चुअल में सेल कितनी करो, बिल्ड यानी कि बिल कितने अमाउंट का ले रहे हो, तो वहाँ पर आप एक्चुअल में लिख दोगे 5, बिलिंग में लिख दोगे 4, यानी कि मैं बिल ले रहा हूँ 5 का दे रहा हूँ, सॉरी बिल ले रहा हूँ 4 का और एक्चुअल में दे रहा हूँ प्रोडक्ट में 5, तो उससे क्या है कि आपके स्टॉक भी घटेगी और आप उस तरीके से बिलिंग भी कर सकते हो। उस सिचुएशन में इसका यूज़ होता है। परचेज ऑर्डर भी अगर आप टैली में मेंटेन करते हो तो यहाँ पर यस कर दो, सेल ऑर्डर भी मेंटेन करते हो तो इससे यस कर दो। उसके बाद अब आ जाओ डेबिट नोट, ये सब सेम वही है, वहाँ पर भी सेम था यहाँ पर भी सेम है। अगर आप जो सेल्स वगैरह की जो आपकी वाउचर है उसमें आप चाहते हो कि एक अलग से डिस्काउंट का कॉलम हो जिसमें डिस्काउंट कि मैं परसेंटेज, मैंने जैसे कुछ भी एंट्री की, मैं यहाँ पर एक बार आपको यस कर देता हूँ, मैं एक बार ले चलूँगा आपको वहाँ पर दिखा भी दूंगा। बाकी मैं डिटेल में अपने अगले वीडियोस में भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक थोड़ी सी हिंट देना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। ये एडिशनल कॉस्ट ट्रैक है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मल्टीपल प्राइस लिस्टिंग यानी कि आप प्राइस लिस्ट वगैरह बना सकते हो कि किस कस्टमर के लिए मैंने क्या प्राइस लिस्ट सेट करके रखी है, कि उसे मैं कितनी प्रॉफिट में माल दूंगा या कितने माल लेने पे क्या डिस्काउंट्स वगैरह दूंगा, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं F3 की। यहाँ से मैं वैट या कोई भी जो टैक्सेस हैं जो मुझे जरूरत पड़ती है मैं उसे यहाँ से एप्लीकेबल कर सकता हूँ। अब हम यहाँ से स्कैप करते हैं। ये आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे होंगे F12, इसमें आपको इसकी पूरी सेटिंग्स होगी। जैसे हर एप्लीकेशन की सेटिंग नहीं होती है वैसे इसमें यहाँ पर सेटिंग होगी। इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको कोई नॉलेज, थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं दूंगा, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप सेटिंग चेक करके जाकर आप भी कोई भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं टैली की। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं चलिए इन्वेंट्री इन्फो की। यहाँ पर हम स्टॉक ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलो स्टॉक ग्रुप्स क्या होते हैं और स्टॉक आइटम्स क्या होते हैं। आप फिलिप्स कंपनी है ना, आप फिलिप्स कंपनी की प्रोडक्ट्स मंगाते हो। आप फिलिप्स कंपनी कोई एक प्रोडक्ट तो बनाती नहीं है, उसके CD प्लेयर्स भी आते हैं, TVs वगैरह भी आती हैं और भी कई प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आप क्या करोगे, ग्रुप में जाके क्रिएट में जाके यहाँ पर फिलिप्स लिखोगे, यहाँ पर आप प्राइमरी चुन लोगे, यहाँ पर यस कर दोगे आप। ये हो गया, ग्रुप बन गया आपका। अब बैक ले लो, यहाँ पर क्रिएट आइटम्स में चले जाओ। अब यहाँ पर आप DVD प्लेयर फिलिप्स का, यहाँ पर मैंने फ्लिप सेलेक्ट कर लिया फिल्टर से। अब यहाँ पर यूनिट्स कि मेरा ये पीस है कि क्या है, मेरा पीस है ये मैं बताऊंगा आपको, इसके आगे भी था, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बना लिया, यहाँ से मैंने यस कर लिया। इस तरीके से आप स्टॉक आइटम्स बना सकते हैं, यूनिट्स यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। वॉचर टाइप्स वही है जो वहाँ लेजर में था, सेम वही चीज़ है, आप यहाँ से भी बना सकते हैं वहाँ से भी बना सकते हैं, इसकी मैं बात नहीं करूँगा, ये इसमें आपका कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए होता है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं इसकी यूज़ नहीं पड़ती है हमें। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर
जो भी इसके बारे में डिफाइन दी रहती है, यही सब है, इसके बारे में कुछ जानना जरूरी नहीं है ज़्यादा। अब वॉचर्स के बारे में हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं, एक सेकंड मैं बैक लेता हूँ। यहाँ पर जिस जिस में ये रेड दिखाई दे रहा है आपको, ये इसकी शॉर्टकट है। आप टी प्रेस करोगे तो आप इन्वेंट्री वॉचर में चले जाओगे, आप वी प्रेस करोगे तो आप अकाउंटिंग वॉचर में चले जाओगे, ये मैं बता देता हूँ, बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्रकार के वॉचर्स हैं। F4 कॉन्ट्रा, इसमें बैंक से रिलेटेड आप एंट्रीज मेंटेन कर सकते हैं। F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, सेल्स वगैरह करना है तो आप F8 में जाओ, आपको किसी से पेमेंट मिली है तो आप रिसिप्ट में जाओ, आप पेमेंट कर रहे हो तो आप पेमेंट वाउचर का यूज़ करो, वो देखिए अभी हाईलाइटेड नहीं क्योंकि वो मेरा यहाँ पर ऑन है। परचेज किया तो परचेज को यूज़ करो आप। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान के चलो आप सेल्स की, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने रिटेल बनाई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है, आप देख रहे हैं कि मेरी यहाँ पर एक रिटेल इनवॉइस आ गई है, कि अगर मैं इनवॉइस काट रहा हूँ। F11 में मैं आपको एक चीज़, मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में दिखाया था, F11 में मैंने F2 में आपको यहाँ पर ये नो है, मैं इसे यस कर रहा हूँ एक बार, मैंने उस समय यस किया था लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर पूरा आप इंटर मार के नीचे तक जाओगे तो यस पूछेगा, आप एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज आप कंट्रोल प्लस ए से भी एक्सेप्ट करके बाहर निकल सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉलम आ गया यहाँ पर डिस्काउंट का अलग से। अब इसमें कैसे सेल इनवाइस क्रिएट की जाती है, मैं एक यहाँ पर एक आपको हल्की सी झलक दे रहा हूँ। आपने यहाँ पर कैश सेलेक्ट किया, उसी तरह पार्टी नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेल्स की लेजर नहीं बनाई है, सेल्स की लेजर मैंने ऑनलाइन बनाई, इसे ऑनलाइन कहते हैं कि मैंने यहाँ से डायरेक्ट बैठे बैठे बनाई, मैंने बैक नहीं लिया। उसके लिए आपको यूज़ क्या करना होता है, एल्ट और सी को एक साथ प्रेस करोगे तो ऑनलाइन बना सकते हो आप। सेल्स, सेल्स के अंदर चले जाओ आप, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। यहाँ पर मैंने फिलिप्स आइटम चुना, भले मैंने उसे अभी परचेज नहीं किया है, उसमें मैंने डीवीडी प्लेयर, कभी भी ग्रुप का नाम मत सेलेक्ट करें, ग्रुप तो आपको ये दिखाने के लिए कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, आप जो आइटम्स नेम है उसे ही सेलेक्ट करें यहाँ पर, तभी आपको यहाँ पर फिल्टर में आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया, नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी परचेज ही नहीं किया, मैं डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ। 12 पीस डिस्काउंट अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने 5% सेट कर दिया। इस तरीके से मैं नीचे इंटर मार मार के एक्सेप्ट कर दूंगा तो मेरी ये पास हो जाएगी एंट्री। इसी तरीके से अगर हम बात करें परचेज की, परचेज में भी सेम कंडीशन है, इसी तरीके से मैं पार्टी नेम दे के यहाँ पर, मैं यहाँ पर परचेज लेजर वही ऑनलाइन में बनाऊंगा, परचेज के अंदर लूंगा इसे मैं, और सेम कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पर भी। बाकी तो मैं आपको डिफाइन से अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसे कैसे यूज करें। अब इन्वेंट्री वाउचर क्या होता है, यहाँ पर ये स्टॉक जर्नल है, जर्नल है, होता क्या है कि आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल लेके जा रहे हो, उस सिचुएशन में ना तो आप सेल की एंट्री पास कर सकते हो, ना परचेज की एंट्री पास कर सकते हो, ना जर्नल में दिखा सकते हो, ना पेमेंट, ना रिसिप्ट, ना कॉन्ट्रैक्ट। उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सोर्स चुनना होगा, किस गोडाउन से किस गोडाउन माल जा रहा था, यानी कि सोर्स में आपने प्रोडक्ट नेम चुना, क्वांटिटी चुनी, ये तभी एप्लीकेबल होगा या काम करेगा ठीक से जब मैं यहाँ पर मल्टीपल गोडाउन चुनूंगा F11 में जाके, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। फिर यहाँ पर गोडाउन का नेम आएगा, मैं नेम चुनूंगा, यहाँ फर्स्ट वाले में मैं एक्सेप्ट करूंगा, यहाँ पर आऊँगा मैं सेम प्रोडक्ट नेम चुनूंगा, क्वांटिटी चुनूंगा, और जहाँ मेरा वो प्रोडक्ट जा रहा है यानी कि डेस्टिनेशन क्या है उसकी, उस जगह गोडाउन का नाम चुनूंगा और एक्सेप्ट करूंगा, तो मेरा वो माल उस गोदाम से दूसरे गोदाम में ट्रांसफ़र हो जाएगा ये। और इस भी यूज़ में आता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो लोग करते हैं उसके भी यूज़ में आता है, अभी तो हम यहाँ उसकी डिटेल में बात कर नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर हम इम्पोर्ट करेंगे डाटा, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, अभी हम आगे चलते हैं। बैलेंस शीट आप जानते होंगे, बैलेंस शीट क्या होती है, अगर आप अकाउंट्स थोड़ा बहुत भी जानते हैं
यहाँ सब बैलेंस शीट देख सकते हैं, अपने अकाउंट्स की प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, स्टॉक समरी देख सकते हैं कि मेरा स्टॉक कितना है, अभी तो मैंने कुछ परचेस किया नहीं है, रेशियो एनालिसिस देख सकते हैं। वैसे बेसिकली मैं बताऊँ, अगर आपका छोटी मोटी शॉप्स है तो आपको ज़्यादा कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको ये स्टॉक समरी की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत पड़ेगी, बैलेंस शीट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा आपको अकाउंटिंग वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी, ऊपर के 2 मास्टर्स में अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो की ज़रूरत पड़ेगी, उसके आगे आप यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट प्रिंटिंग की बहुत कमी ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद डिस्प्ले में आ जाओ आप, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रायल बैलेंस अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ से, और डे बुक की आपने पर डे क्या क्या एंट्रीज मरी वो यहाँ पर आती हैं, अकाउंट्स बुक में दिखा रहा हूँ मैं क्या होता है आपको इसमें क्या है, आप लेजर देख सकते हो अपनी जितनी सारी आपने बनाई हैं, ग्रुप समरी देख सकते हो, ग्रुप वॉचर्स देख सकते हो, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, कैश बैंक की डिटेल वगैरह सब यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग देख सकते हो और स्टेटिक्स में भी उसकी एक देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे ग्रुप्स कितने हैं, 29 ग्रुप्स हैं, जबकि जनरली बाई डिफ़ॉल्ट कंपनी के 28 ग्रुप्स ही होते हैं, लेजर तो मैंने सब खुद ही क्रिएट किए हैं। इसी तरह आप यहाँ से पूरी अपनी जो भी जहाँ पर डिटेल है वो देख सकते हैं, ये तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा। आज का मेरा मेन वीडियो में बताने का मोटो था ये कि आपको मैं गेटवे ऑफ टैली की यूज़ समझाऊँ कि गेटवे ऑफ टैली में आप कैसे समझेंगे किस में क्या होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने समझाने का प्रयास किया अपने इस वीडियो में। अगर आपको समझ में आया और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।